बसपा भारत की एकमात्र सबसे शक्तिशाली और मजबूत जमीनी पार्टी है, जो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के बहुजनों का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात संपूर्ण बहुजन समाज को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आज मनवादियों के लिए अगर कोई पार्टी खतरा है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने शासन काल में बहुजन विचारधारा तथा बौद्ध धर्म का इतना जबरदस्त उत्थान कर दिया है, जिससे मनवादियों की चूले हिल गईं, जो विश्व के इतिहास में दर्ज है। और मनवादी व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर और चौपट हो गई थी। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में, प्राइवेट एजेंसी में एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की आजादी आम जनता को हो गई थी। यह बात मनवादियों को पूरी तरह से खल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के होते हुए केंद्र में भाजपा या कांग्रेस भारत के संविधान को बदलने या उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की कोई भी कोशिश नहीं कर सकती है। इसलिए सभी मनवादी पार्टियां और मनवाद को समर्थित या समर्थन देने वाली पार्टियां, सपा, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू आदि मिलकर आज ये प्रोपेगेंडा फैला रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा को जिता रही है और समाजवादी पार्टी को हरा रही है। ये एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत बहुजन समाज की नींव को बहुजन समाज पार्टी से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे पहले एससी एसटी ओबीसी में फूट डाली गई, उसके बाद एससी एसटी में फूट डाली गई, उसके बाद एससी की उपजातियां चमार, पासी, धोबी, धानुक, मेहतर, वाल्मीकि आदि में फूट डाली गई, ताकि एससी की सबसे मजबूत नींव चमार सभी के साथ मिलकर एकजुट न हो पाए। उसके बाद चमारों में भी ऐसी ही फूट डाली गई। इसके लिए चंद्रशेखर रावण को आगे लाया गया और आजाद समाज पार्टी बनाकर सभी मनवादियों ने उसका समर्थन व आर्थिक मदद देकर चमारों के वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया। बसपा के रहते हुए किसी भी पार्टी की औकात नहीं है कि वो संविधान बदलने की बात कर दे, क्योंकि माननीय बहन जी ने भाजपा और कांग्रेस को पहले ही चेतावनी दी थी कि आरक्षण को हाथ तक लगाया तो उसको दिन में तारे दिखा दूंगी। और जब बात संविधान की हो तो माननीय बहन मायावती जी अपने रौद्र रूप में सड़कों पर उतर आई तो संपूर्ण भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा और जगह जगह प्रक्रांति होने लगेगी। इसलिए बसपा के खिलाफ राजनीतिक, कूटनीतिक और सामाजिक कुचक्र सपा, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू आदि पार्टियां मिलकर कर रही हैं। ये सर्वविदित है कि जो सबसे ताकतवर और मजबूत होता है उसके खिलाफ सभी कमजोर लोग इकट्ठा होकर चौतरफा हमला करते हैं। वही साजिश, वही मानसिक, कूटनीतिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। इसलिए आज बसपा के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होकर एक साथ सभी मनवादी चैनलों, पत्रकारों, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा विरोधी बहुजन चैनलों, पत्रकारों, चिंतक, विचारकों आदि पर एक साथ कार्यवाही करने की सख्त आवश्यकता है और एकजुट होकर के इनको ठंडा करने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर हम कमजोर हो गए तो हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा कमजोर हो जाएगी, और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा कमजोर हो गई तो समझ लीजिए हमारी पार्टी, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज हम सबको एक प्रण लेना है, संकल्प लेना है कि जितने भी हमारे भाई लोग गुमराह हुए हैं, भ्रमित हुए हैं, उनको सबको एकजुट करना है, एक साथ लाना है और बहुजन समाज पार्टी को पुनः उतनी मजबूती के साथ समाज के सामने अपनी राजनीतिक विरासत को मजबूती से वही आकार देना है जिस आकार में हमारी मानवर कांसीराम साहब और बाबा साहब के विचारों को मजबूत किया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब
कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।